बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम मुर्गियों का छोटा सा एक सेटअप विज़िट कर रहे हैं। ये सेटअप एक कमरे के ऊपर मुश्तमिल है। इन्होंने कुछ वाइट बफ के चिक्स रखे हुए हैं, ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने के हैं और इनकी रखवाली में भी इतना मसला नहीं होता है। ये आम मुर्गियों की तरह ही इनको रखा जाता है। इनका दाना पानी भी वही होता है जो हम आम मुर्गियों को देते हैं। यानी अगर आप घर के अंदर मिस्री मुर्गियाँ पालते हैं या कोई दूसरी आम वाली मुर्गियाँ पालते हैं तो इससे बेहतर होता है कम फैंसी चिक्स पालें। फैंसी मुर्गियों के अंदर फ़ायदा ये होता है कि इनके रेट भी ज़्यादा होते हैं और ये मार्केट के अंदर अच्छी कीमत भी ये बर्ड्स हमें दे जाते हैं। अगर हम मिस्री मुर्गियों की बात करते हैं, मिस्री मुर्गी जब तैयार हो जाती है तो 250 से 300 में सेल आउट होती है, जबकि वाइट बफ की एक मुर्गी या एक मुर्गा तकरीबन 1500 से 2000 में आराम से सेल हो जाता है। और इनकी रखवाली में भी इतना मसला नहीं आता है। ये भी वही दाना खाते हैं जो मिस्री या दूसरी आम मुर्गियाँ खाती है। तो दोस्तों, अगर हम फैंसी मुर्गियाँ पालेंगे तो इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है। ये भाई ने कुछ और भी मोटिशन रखी हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे इन्होंने अपने पास से ये एक अलग केज के अंदर इन्होंने सिल्वर बैंटम के कुछ चिक्स रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रही होगी। चले, मैं इसके दरवाज़ा खोल के भी वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसे दिख जाए। ये देखिए, इन्होंने अंदर सिल्वर बैंटम की कुछ मुर्गियाँ रखी हुई है और कुछ मुर्गे भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मुर्गियों का शौक़ है तो आप इसका ये फैंसी मुर्गियाँ पालें। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और इसके इतने अखराजात भी नहीं होते हैं। इनके अखराजात वही होते हैं जो आम मुर्गियों को पालने के होते हैं। और इनकी मेडिसिन का भी इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं आता है। इनको वैक्सीन वगैरह भी इतनी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे फार्मी मुर्गियों को करवाते हैं, वैसे इनको वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।